नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का इंडिया के मोस्ट नंबर वन यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वर्ल्ड टेक। दोस्तों एक और लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम जिस भर्ती की बात करेंगे वो है सीआईएसएफ में निकली भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये सीधा नोटिफिकेशन है और इसका आवेदन का प्रोसेस जल्द ही शुरू होने वाला है। इसकी हम पूरी आपको भर्ती की जानकारी देने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों यहाँ पर महिला पुरुष, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर योग्यता की बात करते हैं तो सिर्फ 12वीं पास, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। और यहां पर पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल, ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिले तो प्लीज वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बात करते हैं पूरी रिक्रूटमेंट की। दोस्तों सीआईएसएफ में जो वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। और इसमें पोस्ट की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल के पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी है 429 पदों पर। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, एप्लीकेशन फीस की। तो यहां पर जनरल और ओबीसी के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है और एससी एसटी महिलाओं के लिए और एक सर्विसमैन के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, फीस माफ है, ठीक है। और आपको जो पेमेंट करना है जनरल और ओबीसी वालों को आवेदन शुल्क का, ये आप चालान के थ्रू या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा, ठीक है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर कट ऑफ दे रखी है एज लिमिट की, और यहां पर मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम है 25 साल, ठीक है। और यहां पर आयु सीमा में छूट भी है, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी को यहां पर आयु सीमा में छूट भी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 12वीं पास हैं, इंटरमीडिएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर आवेदन जो है 21 जनवरी से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 20 फरवरी है, शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट जो है आप 20 फरवरी तक करा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों यहां पर आपकी कोई भी दौड़ नहीं होगी, सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो लंबाई चौड़ाई है, आपकी जो वजन है, वो आपकी जो हाइट है वो नापी जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहां पर आपकी लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर बेस। जी हां दोस्तों, आपकी लिखित परीक्षा होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके एग्जाम ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट का, स्किल टेस्ट का, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है आपकी हाइट क्या क्या मांगी गई है, ठीक है। यहां पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। मेल के लिए यहां पर हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, 65 सेंटीमीटर है। और यहां पर फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। यहां पर पूरी आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज यहां पर पूरी हाइट और वेट, हाइट और चेस्ट का नाप दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर हर पदों की अलग अलग डिटेल्स दी गई है। यहां पर एज लिमिट के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं 5 साल की छूट है एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल की छूट है, मतलब यहां पे 25 साल तो है ही। और अगर एससी एसटी में अगर आप आते हैं तो आप अगर अधिकतम आपकी 30 साल भी होगी एज तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर टोटल वैकेंसी के बारे में बता रखा है कि मेल के लिए है 100, माफ कीजिएगा, मेल के लिए 328 पोस्ट है और फीमेल के लिए है 37 वैकेंसी, ठीक है। और टोटल 429 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 21 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप आवेदन कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या शंका हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।